कुहू ने छोड़ दिया घर कुणाल की सरोगेट मदर बनने की बात सोचकर। जैसे ही अबीर और मिष्टी के लिए मीनाक्षी ने टॉर्चर करके कुणाल को फोर्सफुली ये करने को मजबूर कर दिया, तो अब आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि कुणाल कुहू के घर छोड़कर चले जाने के बाद उसी के बारे में सोच रहा होगा। तभी मिष्टी आएगी उसके पास और कहेगी कि सुनो, अबीर मुझसे हमेशा कहता है कि तुम उसके और माँ के बीच के बैलेंस्ड हो, तो आज ये बैलेंस कैसे बिगड़ गया। मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ तुम्हें, इसलिए कह रही हूँ आज तुमने जो कुहू के साथ किया है वो ठीक नहीं किया। कुणाल यहाँ पर मिष्टी को भी कन्विंस करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं है मिष्टी, वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। अगर उसकी जगह पर तुम होती तो तुम इस तरह रिएक्ट कभी नहीं करती। याद है तुम्हें माँ ने अबीर भाई के लिए घर छोड़कर जाने तक के लिए कह दिया था। तुम चाहती तो सीन क्रिएट कर सकती थी, बट तुम चुपचाप रही और तुमने मैच्योरिटी से उस सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन कुहू ने आज बात का बतंगड़ बनाया है। वो बात बात पर झगड़ा करती है, लेकिन उसने घर छोड़कर इस बात को सर पर उठाकर अच्छा नहीं किया। घर की बातें घर में ही रहें तो ठीक लगती हैं, बाहर जाएं तो अच्छा नहीं लगती। अबीर जैसे ही कुणाल की तरफ से ये बात सुनेगा वो शॉक्ड रह जाएगा और कहेगा कि मुझे तेरी आवाज़ में किसी और की बातें सुनाई दे रही हैं नानकू। यहाँ पर बड़ी माँ के पास कुहू पहुँच जाएगी और सब कुछ बता देगी कि कैसे कुणाल ने उसे सरोगेट मदर होने के लिए कहा और कैसे मीनाक्षी जी भी इस पूरे प्लान में शामिल है। यहाँ घर वाले बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे और वो कहेंगे कि ये तरीका गलत है, हमें पता ही था कि मीनाक्षी जी अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई नया आइडिया तो ज़रूर निकालेंगे, और उन्होंने पहले मिष्टी को टॉर्चर किया और अब कुहू को, ये हम कभी भी नहीं सोच सकते थे। वहाँ दूसरी तरफ अबीर और कुणाल आपस में झगड़ने लगेंगे। अबीर कहेगा कि सरोगेसी के लिए तूने कुहू से जो कुछ बात कही वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अबीर यहाँ पर कहेगा कि तुझे मैंने मना किया था, जब हम किसी स्ट्रेंजर लड़की को वो पेन नहीं दे सकते कि 9 महीने के बाद उसकी बेबी से उसको अलग कर दें, तो हम अपनी कुहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अबीर कहता है कुणाल को कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं माँ से बात कर रहा हूँ। क्या ब्रेन वॉश किया है माँ ने इसका, क्या समझा रही हो इसे मिष्टी, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ही कुणाल माँ का नाम सुनेगा वो भाई से लड़ेगा और कहेगा कि भाई प्लीज़ आप माँ को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए, माँ सिर्फ आपको हमेशा खुश देखना चाहती हैं, और अगर इसके लिए मुझे कुहू को ये करना पड़े तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, और आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर अबीर उसे स्टॉप करता है और कहता है मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा कुणाल, बल्कि तुझे गुस्सा आना चाहिए था कुहू के बारे में ऐसा सुन के। कुणाल कहता है कि भाई नहीं आ रहा मुझे गुस्सा, क्योंकि गलत बात नहीं है, अच्छा हुआ कुहू यहाँ से चली गई, इतनी बिगड़ी हुई है, सेल्फिश है। जैसे ही अबीर ये सारी बातें कुहू के बारे में सुनेगा उसे गुस्सा आ जाएगा, वो अबीर कुणाल पर हाथ उठा देगा। अबीर जैसे ही कुणाल को थप्पड़ मारने वाला होगा तब वह मिष्टी होगी खड़ी मौजूद और वो अबीर का हाथ पकड़ कर ऐसा होने से रोक देगी। वो कहती आएगी नजर काम डाउन अबीर, अपने आप को संभालो। कुणाल यहाँ पर शॉक में होगा, वो कहेगा कि भाई मार लो, मारना चाहते हो तो मार लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं सही हूँ, और मेरी जगह अगर आप और मिष्टी होते तो हमारे लिए यही करते। घर वाले भी बात कर रहे हैं कि आखिर इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, और घर की बात घर में ही रहेगी और ये मेडिकली सेफ भी है और बहुत सारे लोग इस तरीके से बेबी को अडॉप्ट करते हैं, तो आखिर इसमें बुरा क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर वाले कुहू को दिलासा दे रहे होंगे और वर्षा और जसमीत यहाँ पर एक के बाद एक राजश्री से सवाल कर रही होंगी कि अगर कुणाल की जगह अबीर होता और मिष्टी होती इस सिचुएशन में, तब क्या कुणाल की तरह अबीर मिष्टी को अकेला छोड़ देता। बिल्कुल भी नहीं, वो पीछे पीछे यहाँ पर आकर आपके कदमों में गिरा होता और मिष्टी के साथ खड़ा होता, लेकिन आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों नहीं किया। अब इन सब के बाद क्या नया ड्रामा होगा राजवन सदन में, आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।